तो 25 का होते ही मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। अब मैंने कितना मना किया था उनको कि 2-4 साल और भी और रुक जाओ, लेकिन नहीं माने नहीं, शादी करवा के मेरी जिंदगी नरक करवा दी। अबे क्या नरक कर दी, बढ़िया तो क्या तेरे बाप ने, एक मुझे देख ले भाई, 27 का हो गया हूँ लेकिन शादी का कोई अता पता नहीं है। साला एक लड़की नहीं मिल रही बे, जिसको भी देखो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए भाई, कोई जाके उन्हें बताओ कि सरकारी नौकरी कोई लंगर नहीं है भाई, कि लाइन में लग जाओ मिल जाएगी। अबे तू क्यों हंस रहा है, बियर ही चढ़ गई क्या तुझे? नहीं सर, बियर नहीं चढ़ी, बल्कि हंसी इसलिए आ रही है कि आप शादी करके रो रहे हो और ये जनाब शादी करने के लिए रो रहे हैं। हंस ले बेटा, हंस लो, जिस दिन तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, उस दिन ये सारी हंसी पिछवाड़े में घुस जाएगी। अबे पहले शादी तो होने दे यार। ओए, एक सेकंड साउंड, बीवी की कॉल आ रही है, कोई हल्ला नहीं, ठीक है? हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ हो आप, घर नहीं आए अभी तक? बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो भाई मैं निकलता हूँ, बुलावा आ गया मैडम का, बाकी मिलते कल ऑफिस में। ओके भाई, ओके, ठीक है, बाय बाय। आ गए तुम? हाँ। कहाँ पर थे आज इतने लेट हो गए? अरे वो ऑफिस के बाद विशाल और प्रिंस के साथ बियर पीने चला गया था। इस इंसान को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है, ये भी नहीं सोचता कि बीवी घर में भूखी है, प्यासी है, अकेली है, और इतना भी नहीं होता इससे कि मुझसे भी पूछ ले कि कभी बियर पियोगे या नहीं पियोगे। पता है मुझे तुम्हें भी बियर पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आप 2 मिनट रुको, मैं सिर्फ खाना लेके आई, अभी फिर हम साथ में बैठ के पीते हैं, ठीक है? ठीक है। सुनो, अगली बारी जब तुम बियर लेके आओगे ना, तो मेरे लिए सिर्फ ये एक बोतल मत लेके आना प्लीज, मेरे को पूरी पेटी चाहिए। एक बोतल से मेरा कुछ नहीं होता अनिकेत, प्लीज, मेरे को चढ़ती नहीं है यार ये बियर ऐसे, प्लीज अगली बारी से पेटी लेके आना। अरे क्यों पीती है इतनी जब चढ़ती नहीं, बात कर रही है पेटी की, एक बोतल झीली नहीं, तो ये सब छोड़, अब तेरी उल्टी कौन साफ करेगा? सिमरन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, और ये रेडियो कर कहाँ जा रही हो? नहीं, वो सुबह सुबह मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे कॉल आया था उनका। क्यों, क्या हुआ मम्मी को? वो उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और साथ ही वो अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रखती हैं, अब उनको ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, मैं भी रेडी जाता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो, मैंने ऑलरेडी भाई को कॉल कर दिया, वो आने ही वाला होगा। देखो आ गया उसका कॉल, एक मिनट। हेलो, हाँ भाई आ गया तू? ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ओके। क्या यार सिमरन, मुझे भी उठाना चाहिए था ना, मैं भी साथ में चलता। अनिकेत, मैंने सुबह तुम्हें उठाया था लेकिन तुम उठे ही नहीं। कोई बात नहीं, ऑलरेडी भाई को मैंने बुला लिया, वो नीचे आ चुका है, तो मैं चली जाती हूँ उसके साथ आराम से, और वैसे भी तुम्हारे पास एक ही संडे तो होता है, बाकी के दिन तो तुम काम करते रहते हो। कोई बात नहीं, तुम आज रेस्ट करो, तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, और ध्यान से जाना, पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है। क्या, और मैंने तुम्हारा खाना ऑलरेडी बना दिया, तो याद से खाना खाना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय, ध्यान रखना अपना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना।
क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी कृपा। हाँ, बीवी को मायके भेज दिया और ऊपर से संडे भी है, तो इस संडे का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, रसीली को बुला लेता हूँ। हेलो रसीली। हेलो बेबी। वो मैं कह रहा था कि बीवी मायके चली गई है और मैं घर पर अकेला हूँ, और बड़े दिनों से यार रसमलाई भी नहीं खाई, तो आ जाओ ना तुम। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है। आज तेरा भाई संडे को फंडे में बदल देगा। जब तक रसीली आती है रेडी हो जाता हूँ। ओट रसीले तेरे ओट रसीले, मन करता है मेरा ये रसीले। लगता है रसीली आ गई। इतनी भी क्या जल्दी है, आज ही तो वाइफ गई है, आज ही थोड़ी ना वापस आ जाएगी। धीरे धीरे शुरू करते हैं। रसीली, रसीली, सोने दो यार। अरे अरे, ये कौन सुबह सुबह मेरी छाती पे दिए जलाने आ गया, क्या करूं। अरे उठो यार, कोई आ गया। एक काम करता हूँ, इसको यहीं छुपा देता हूँ और जाके देखता हूँ कौन है गेट पर। हाँ भाई, मेरी फाड़ दी यार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने क्या कर दिया ऐसा? छोड़, आज अंदर। क्या बात है, भाभी जी नहीं दिख रही कहीं, सो रही है क्या अभी तक? क्या चल रहा है, कौन है ये लड़की? अबे तू नहीं समझेगा, ये बाहर का मैटर है। अरे तो समझा ना, क्या मैटर है? अच्छा मैं समझाती हूँ, जैसे घर वाली होती है ना, वैसे ही एक बाहर वाली भी होती है, तो मैं बाहर वाली हूँ। क्या बात है भाई, तू तो डुअल सिम का फोन लेके घूम रहा है यार। हाँ भाई, जब एक सिम के नेटवर्क उड़ जाते हैं ना, तो दूसरी सिम का इस्तेमाल करना ही पड़ता है भाई। डुअल सिम वाला फोन तो मेरे पास भी है, पर यार तेरी जैसी किस्मत नहीं है यार। ओए, तेरा फोन आ रहा शायद। क्या बात है, पंडित जी का फोन। हेलो, हाँ जी पंडित जी बोलिए। अरे तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या बात कर रहे हो? और लड़की बहुत ही सुंदर है। सच में? हाँ भाई हाँ।
क्या बात है पंडित जी, आपने तो सुबह सुबह एकदम दिल खुश कर दिया मेरा। चलते आज मिलने, आज नहीं अभी चलते हैं, मैं बस पहुंच रहा हूँ आपके पास। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी ठीक है। ऐसी क्या खुशखबरी दे दी पंडित जी ने? भाई मेरे लिए रिश्ता आया है, फाइनली मेरी भी शादी हो जाएगी। सही है सही है। चलो तुम दोनों एंजॉय करो, भाई मैं तो चला। ठीक है बाय बाय। रसीली मेरी बीवी की वीडियो कॉल आ रही है, प्लीज शांत रहना, कोई हरकत मत करना ठीक है। हाय कैसे हो आप, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं वो ऑफिस का काम कर रहा था। ओके, वो मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि अब मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मत करो ना। अल्लाह पे बोलते मत करो ना, ये तुम किससे बात कर रहे हो निकेत? अरे नहीं वो मैं कह रहा था कि मत करो ना इतनी टेंशन, मम्मी तो अब ठीक हो गई है। अच्छा सुनो आप एक काम करना, आप कल मुझे लेने आ जाना। हाँ मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है। सिमरन इधर आइए। हाँ मम्मी आई। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है मुझे। ठीक है बाय। यार तुम पागल हो क्या, अभी मरवा दिया था मुझे। सॉरी। ओके बेबी मैं चलती हूँ। क्यों? और बीवी तो कल आने वाली है ना, तो आजा जाओ, रुक जाओ प्लीज। बीवी रुक जाती बट मुझे आज कुछ काम है तो आज मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है बाय बाय। अरे तिवारी जी मैं जरा टेरेस पे जा रहा हूँ 5 मिनट के लिए सुट्टा मारने, अगर कोई इम्पोर्टेंट मेल आए तो प्लीज देख लेना। बस तू भी बच, पूरे दिन घूम पी रखा होता है मेरा ये मकान मालिक। हेलो, अबे मुझे मेरा किराया कब मिलेगा? अरे अंकल कितनी बार समझाया है मैंने आपको कि मेरी तनख्वाह 10 तारीख को मिलती है, जब तनख्वाह मिलेगी तभी तो दूंगा आपका किराया। अबे गवारा 10 तारीख की तो है। अंकल अभी तो मैं ऑफिस में हूँ ना, पर मैं अभी तनख्वाह अपनी लेता हूँ, घर आता हूँ फिर देता हूँ आपको आपका किराया। अच्छा ठीक है शाम को दे दियो। और अंकल ऐसे ना मेरे को बार बार फोन मत किया करो, तो गुस्सा आएगा ना घर खाली कर दूंगा। अबे नहीं मैं तो बस पूछ रहा था किराया कब मिलेगा। हाँ ठीक है रखो फोन। ठीक है मैनेजर, पता नहीं कहाँ गायब है, ऑफिस ही नहीं आया। हराम खोर, जिस दिन मुझे मेरी सैलरी मिलनी होती है ये हराम खोर गायब होता है। अब फोन करके देखो कहाँ ये आशिया उड़ा रहा है। हेलो सर। हेलो बोल क्या हुआ? नहीं वो मैं पूछ रहा था कि आज आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? आऊंगा लेकिन थोड़ा लेट आऊंगा। अच्छा आ रहे हो? हाँ। ठीक है सर ओके ओके ओके। थैंक गॉड मजा तो रहा है, सैलरी मिलते सबसे पहले उस बुड्ढे के मुंह पर उसका किराया मारूंगा फट के। सिगरेट कहाँ गई? यहाँ तक आ गए थे तो तुम पर भी आई जाते और मिल लेते मम्मी से। यार सिमरन ऑफिस भी जाना था, लेट हो रहा था इसलिए नहीं आया। सर आप हमेशा ऑफिस ऑफिस क्यों करते रहते हो, आपके पास 5 मिनट भी नहीं है? यार सिमरन लेट हो रहा था इसलिए नहीं आया, और तुम्हें लेने आ गया इतना काफी नहीं है? नहीं आते लेने, आ जाती मैं कैब से। पता नहीं मम्मी भी क्या सोच रही होगी, कैसा दामाद मिला उन्हें जिसके पास टाइम ही नहीं है उनके लिए। अरे कुछ नहीं सोच रही यार मम्मी, और मम्मी से मिलने 2 दिन बाद आ जाएंगे, अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए चले। चलो सीट बेल्ट लगा लो। अरे वाह मेरी तो सैलरी आ गई। अच्छा हाँ देख। अरे मेरी भी आ गई। सही है सही आ गई आ गई। अरे यार सुनना यार, किस्मत हो तो अपने मैनेजर अनिकेत की जैसी, यार एक तरफ है घर वाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली। बाहर वाली? अबे सुबह ऑफिस में बताया तो था यार तुझे, अबे रसीली के बारे में। अरे वो अरे तुम दोनों को तुम्हारी सैलरी मिल गई? हाँ सैलरी तो आ गई। और फिर रिश्ते का क्या रहा? रिश्ता वो पंडित यार वो ही फ्रॉड निकला, बोलता पहले 50,000 दे तब जाके लड़की वाले से मिलवाऊंगा। बताओ यार सैलरी मेरी 25,000 है, उसे 50,000 कहाँ से दूँ? सही बात है।
अरे सर की बातें छोड़ो, मैं कह रहा था कि आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हो, जहाँ आप जाते हो वहाँ मुझे अय्याशियाँ भी कराते हो, तो है ना मैं अपनी 15,000 की सैलरी से खुश नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेरे को 10 दे देना। लेकिन सर एक बार प्लीज मुझे भी रसीली करो, सुनवाई चखवा दो ना। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की औकात मेरे, और ये जो 15,000 देता हूँ ना ये भी छीन लूँ और पिछवाड़े पे लात मार के ना ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? सॉरी मालिक, वो अचानक से मैं अपनी औकात भूल गया था। जा रहा हूँ मैं। मिल गई रसमलाई, कैसी लगी, खट्टी या मीठी? अबे क्यों बोलता है इतना? प्रसाद भी ना तुम्हारी वजह से मिला मुझे, दिन भर मेरे सामने रसीली रसीली करते रहते हो। अच्छा चलो चलो। तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। और हाँ, हम बहुत जल्द सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, और इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गई उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो अपना प्यार बनाए रखना, और जो मेरे चैनल पे नए वो चैनल को रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि हर हफ्ते मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड वीडियो के साथ, मतलब सेकंड पार्ट के साथ।